क्लियोकेनोसिस, द लेंथनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकेनोसिस, ठीक है। और इस तरह से डिवीजन होता है। फिर इसमें बहुत टाइप होते हैं कि पहले किस कौन टूटता है, पहले न्यूक्लियस टूटता है या पहले साइटोप्लाज्म का क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, वगैरह वगैरह। वो सब रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट इन सिलेबस फॉर यू गाइस। ओके, सो आगे बढ़ रहा हूं। देन देयर इज समथिंग, अच्छा देखो यहां पे दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो समव्हाट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज एज सीन इन लैशमेनिया व्हिच कॉज काला आजार, वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। विप लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या? टेल। विप लाइक स्ट्रक्चर मतलब टेल, सोटा होता है ना, सोटा, हंटर। इट हैज गॉट अ हंटर लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड, एक एंड में ऐसा होता है गाइस, ऐसा ऐसा, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा ऐसा, राइट। सो दिस इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट इट हैज गॉट, एंड इट शोज मोर ऑर्गेनाइजेशन। मोर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने तुमको समझाया कि इसमें प्रॉपर यहीं से फिजन होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि इधर से कट गया, इधर से कट गया, नहीं भाई। ओके, प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही वो कट होता है। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स इन डेफिनाइट ओरिएंटेशन, ठीक है। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है टू दिस स्ट्रक्चर्स, फाइन। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, छोटे 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 छोटे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, मल्टीपल फिजन। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, उसके अंदर है एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। यस, यहां देखो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, एक न्यूक्लियस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। और ये है देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जब ये पर्टिकुलर साइज ले लेता है तब तो सारा के सारा पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। यस, और बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। दे डिवाइड इंटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, हेंस इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। बच्चों, फिजन मतलब ब्रेकिंग डाउन। फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। यस, तो एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, यही एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, यही लिखो, बाकी एग्जाम्पल्स की कोई जरूरत नहीं है। सो फिजन, फिजन के दो टाइप्स, एक तो बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। क्लियर है सब लोगों को? राइट, अब यहां पे देख लो, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और कोई टेंशन नहीं, सब प्रॉपर प्रॉपर। यस, द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। सर, हाँ यस, वो नई टेक्सटबुक में सर बाइनरी फ्यूजन ऑफ लीशमेनिया का डायग्राम दिया हुआ है, बट सर उसमें देखा है कि वो हॉरिजॉन्टली सेपरेट नहीं होता है सर, वो वर्टिकली हो रहा है। हाँ हाँ अरे ऐसे ऐसे, अरे मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन बताया। मैंने देखो ऐसा कुछ तो डायग्राम रहेगा लेशमेनिया का, है ना? सर यस, और ऐसे यहां से कटेगा वो बाइलेटरली, करेक्ट? यस सर, वैसे ही है। हाँ हाँ ऐसे सर, कटेगा, ठीक है ना? वो देख लेना बुक में एक बार, ऐसे कटता है यहां से, बीच में से इस सर तरह से कटेगा, राइट? यस, सर जब हम उसका लाइक ये डिस्क्राइब कर रहे तो हमें उससे मेंशन करना होगा कि इट स्प्लिट्स बायलैटरली और लाइक दैट, वो मेंशन करना करो होगा। तो बहुत ही अच्छा, करो तो बहुत ही अच्छा, है ना? करो तो बहुत ही अच्छा कि वर्टिकली स्प्लिट होता है करके। नहीं करो तो भी, मेन कीवर्ड ये है कि बाइनरी फिशन अकर्स इन अ डेफिनाइट ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन अगर पूछ भी लेते हैं तो तुमको पता होना चाहिए वर्टिकली स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे बडिंग। यहाँ फ्रेगमेंटेशन दिया है बट मैं पहले बडिंग पढ़ाऊंगा, ओके? क्योंकि बडिंग इज मोर लाइक बाइनरी फिजन ओनली। बडिंग और बाइनरी फिजन सेम है, सारे के सारे सेम होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये देखो। नाउ ये सर डायग्राम एक से डाउट है बताऊंगा, मुझे, दिस इज मल्टीपल एन फिशन में। एग्जांपल ऑफ। यस प्लीज टेल मी। सर मल्टीपल फिशन में भी अमीबा जैसे कहीं से भी डिवीजन होता है क्या? हाँ, कहीं से भी वो बेसिकली, पता है क्या, वहां पे एक वन कट डिवीजन नहीं हो रहा है ना,
वहां देखो यहाँ कैसे हो रहा था, प्रॉपर यहाँ से वन कट डिवीजन, मतलब एक कट आ रहा था यहाँ पे कहीं से, तो करेक्ट। इसमें तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, इसमें तो वो एक्सप्लोड हो रहा है, मैंने बोला ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो, तो कहाँ से कट होने वाला है पता नहीं, बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट हो गया वो, ओके सर, गेटिंग इट। तो ये काइंड ऑफ एक्सप्लोड हुआ ओके सर, है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ पूरा बम फट गया तो सब चितड़े चितड़े उड़ गए टाइप्स, क्लियर है। और हर एक ऑर्गेनिज्म इज नाउ अ इंडिविजुअल सेल, अब ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बन गए, तो देखो कितना फास्ट प्रोसेस है, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म्स एक साथ, इसीलिए तो इतने बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में, भर भर के बैक्टीरिया है, क्योंकि वो इतना जल्दी 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 रेप्लीकेट करते हैं खुद को, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ बडिंग, बडिंग का एग्जाम्पल देखो हाइड्रा दिया है इन्होंने यहाँ पे, तो मैं हाइड्रा से एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले क्या होता है बडिंग में, और एक एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज के दो दो एग्जाम्पल। ईस्ट, ईस्ट में भी बडिंग होता है, यस ईस्ट में भी बडिंग होता है, याद रखना ओके, ठीक है। दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा है ओके, ये हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है अभी पूरा ऐसे, यहां से क्या होता है गाइस, इसका ये न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा इसका छोटा न्यूक्लियस, करेक्ट। धीरे धीरे क्या होता है, ये न्यूक्लियस ऐसे स्प्रेड होना चालू होता है, ऐसे न्यूक्लियस स्प्रेड हो जाता है राइट, और जैसे जैसे न्यूक्लियस स्प्रेड होता है उसका साइटोप्लाज्म भी स्प्रेड होना चालू होता है, ये देखो यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर अगले स्टेज में क्या होता है, इसको अपना अलग से न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है और इस छोटू का न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, और ये जो यहाँ पे छोटू पैदा हुआ है इसका नाम होता है बड, एक बड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, बड फॉर्म हुआ है, और ये बड यहाँ पे थोड़े दिन तक रहता है, तो भाई कब तक रहता है, जब तक ये बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है ना, जब तक ये बच्चा ये बड मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक ये यहाँ पर रहेगा। Once he is capable of surviving on its own, ये यहां से कट जाता है और एक नया छोटू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। दिस इज लाइक अस, है ना, जब तक हम थोड़े बड़े नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, काम धंधा पे नहीं लग जाते तब तक पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, यस पेरेंट्स का पॉकेट मनी आते रहता है, दे सप्लाई अस विद एवरीथिंग, उसके बाद एक बार जॉब वॉब मिल गया, काम धंधे पे लग गया तो ब्रेकअप खत्म, अभी तुम तुम्हारा देखो भाई संभालो, है ना, हम हमारा सेकंड इनिंग्स खेलेंगे राइट। तो ये देखो दो ऑर्गेनिजम्स हो गए, अब यहां पर ये पेरेंट है और ये डॉटर है ना, ये बेबी है और ये पेरेंट है, ये समझना जरूरी है। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। ईस्ट में भी ऐसा होता है गाइस, दिस इज ईस्ट, सर यस एक सेकेंड ना, ईस्ट के ऊपर ना यहाँ पे एक बर्ड फॉर्म होगा, ये बड़ के ऊपर एक और बड़ फॉर्म होगा, या फिर इधर से एक बड़ फॉर्म होगा, मिकी माउस बन गया ये, है ना, फिर मैच्योर होने के बाद यहां से कट जाता है ऐसे राइट। तो फिर बडिंग, इसलिए उसका नाम है बडिंग, फॉर सम टाइम दे गाइज, दीज गाइज आर बर्ड्स, बडीज, दे आर बडीज फॉर सम टाइम, उसके बाद खत्म, दोस्ती खत्म, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, बेटा बोलो समझ में आया, यस यस सर, तो बोलो। यही हाँ डाउट है सर, तो द टेंटाकल्स आर द डॉटर्स और द बर्ड इज द डॉटर? नहीं, बर्ड इज द डॉटर, टेंटेकल्स तो टेंटेकल्स है, नहीं सर, वो टेंटेकल्स आपने वो तो इसको डायग्राम भी है। नहीं बनाकर जब ड्रॉ किया तो मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं देखो यहां से कटेगा और ये पूरा हाइड्रा, ये पूरा हाइड्रा के भी ऐसे बाल रहेंगे ना ऊपर से ये वाले, ओके सो ये बर्ड है इधर का, ये बर्ड है, ये बर्ड है ओके, है ना। यहां देखो तो इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, बाहर की तरफ आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट, यस किसी भी एक जगह पे ग्रो होगा, यहां से भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है ओके, यहां से भी हो सकता है। एंड दीज बर्ड्स डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स व्हेन दे फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। तो बाइनरी फिजन की तरह ही है ये, बाइनरी फिजन के जैसे ही है, सिर्फ एक्सटर्नली ऐसे बॉडी के बाहर एक बर्ड ग्रो होता है ओके, और बाद में सेपरेट हो जाता है, समझ में आया। एग्जाम्पल्स हाइड्रा, ईस्ट, ये दो एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए याद रखेंगे।
क्लियर यस सर, आई हैव अ डाउट बोलो। सर. जो बर्डिंग है, जो बाइनरी फ्यूजन होता है, उसके अंदर पेरेंट जो होता है, पेरेंट वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, और नहीं करता है, नहीं करता है, दोनों डॉटर सेल बन बर्डिंग के जाते हैं, अंदर एग्जिस्ट. दोनों इक्वल। हाँ दोनों, दैट इज द डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग में, बाइनरी फ्यूजन में दो डॉटर सेल्स बनते हैं, कौन पेरेंट है कौन क्या है कुछ पता नहीं, दोनों सेम सेम होते हैं, उसमें एक डॉटर होता है एक पेरेंट होता है ना। यहाँ पे कोई बर्ड एक्सटर्नल प्रोड्यूस नहीं होता है कुछ भी, वहां पे एक्सटर्नल प्रोडक्शन होता है। एक्सटर्नल प्रोडक्शन मतलब ये लिखा है ना, देखो यहाँ पे समथिंग ग्रोज एक्सटर्नली, ऐसे लिखा है क्लियरली। यस, अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक साइट। अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता, अमीबा में किधर से भी काट कूट किधर से भी हो रहा है इन एनी ओरिएंटेशन, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, इसलिए इसको अलग कैटेगरी बना दिया, बट बाकी तो सच देखा जाए तो प्रोसेस तो सेम ही है ना यार, कुछ खास अलग नहीं है, प्रोसेस तो सेम है। क्लियर है? सर, हाँ सर अभी इस टेक्स्ट में जैसे लिखा है कि वो जब तक फुली मेच्योर नहीं होते, तब तक पेरेंट्स से डिटैच नहीं होते सर, नहीं होता तो है, नहीं हाँ होता सर, है, तो जब तक सेकेंड वाला मेच्योर होगा, उससे भी थर्ड वाला बर्ड आना शुरू हो जाना चाहिए ना फिर. बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, ये ईस्ट है, ईस्ट में जनरली ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ एक बर्ड आ सकता है, यहाँ पे दूसरा बर्ड, ये बर्ड के ऊपर भी एक बर्ड आ सकता है, ईस्ट में तो इतना होता है, राइट। तो हाँ फिर सर, खैर फिलहाल छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, मतलब इधर से भी एक बर्ड आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो यस सर. और सर एक टाइम पे, सर एक इसीलिए बार, बहुत सारे। हाँ एक टाइम पे सर एक टाइम पे मतलब एक ही बार आते हैं या मल्टीपल भी आ सकते हैं? नहीं, मल्टीपल भी आ सकते हैं, कितना भी बर्ड आ सकता है किधर से भी, ओके ओके। दो यस दो सर, तीन तीन बर्ड एक के ऊपर एक आते हैं और सब डिटैच हो जाते हैं फिर, ठीक है ठीक है, सर, यस सर. ओके फाइन। चलो नेक्स्ट टू, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, दोनों को साथ में सिखाऊंगा और दोनों में बहुत अच्छे से बहुत प्यार से डिफरेंस समझो, ओके। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा है ना। अब शायद डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम है क्या बुक में, वन सेकेंड ना। चलो स्पायरोगायरा का यहां नहीं दिया है, आई डोंट नो इन योर बुक्स, मैं डायग्राम बताता हूँ क्या हो रहा है फ्रेगमेंटेशन में, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। स्पायरोगायरा कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ओके, दिस इज स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा में या तो एक्सीडेंटली, नंबर वन एक्सीडेंटली भी ऐसा हो सकता है, और अगर एक्सीडेंटली नहीं होता है तो जब ये पापा मैच्योर हो जाते हैं तो ये खुद को यहां से ऐसे कट कर देगा, या यहां से ऐसे कट कर देगा, एक जगह से कट करते हैं उसको फिलहाल, ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके ओके। लेट्स से इसने इसको यहां से कट कर दिया, तो यहां से कट करने के बाद देखो दो छोटे बच्चे हो गए, एक ये और ये 88 हो गया है ना। अब ये जो 8 है ये भी आगे जा करके बढ़ते जाता है, ऐसे बड़ा होता है इनटू एन इंडिविजुअल, और ये भी ऐसे जा करके बड़ा होता है इनटू एन इंडिविजुअल, ओके। वैसे तो कटिंग यहां से ऐसे नहीं होता है, कटिंग ऐसे होगा, देखो ऐसा होता है स्पायरोगायरा, ऐसा ओपन एंडेड, यहां से ओपन रखते हो उसको, ठीक है, यहां से कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसा बन गया, ठीक है, फिर ये आगे जाके ग्रो होता है इंडिविजुअल में, ये नीचे वाला कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये भी ग्रो होने लगता है। तो या तो एक्सीडेंटली कट हो गया, चलते चलते कहीं पे लग गई उसको, इतना छोटा सा है रे वो, बच्चा है एकदम, मतलब बहुत ऐसा एक सिंगल सिंगल छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यस, किसी एक्सीडेंट की वजह से कट हो गया तो भी हो जाएगा, और अगर एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ तो खुद से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, यहां देखो एक एग्जांपल, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी सेल्यूलर विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क, सिंपल मल्टी सेल्यूलर येट सिंपल ऑर्गेनिजम्स। स्पायरोगायरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इंटू टू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्यूरेशन, देखो मैच्यूरेशन हुआ, ब्रेक हो गया, ओके, दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स, यस। अब यहां देखो
दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. दे कैनॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल. द रीजन इज दैट मेनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स we have seen are not simply a random collection of cells. Matlab kya? Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs, which then have to be placed at definite positions in the body. In such a careful organized situation, cell by cell division is impractical. Therefore, we need more complex ways of reproduction. देखो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यार, वी आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर, है ना. क्या हमको कहीं से ऐसे काट दिया तो दो में ग्रो हो जाएंगे क्या? ओके, मूवीज में ऐसा हो सकता है सिर्फ, कोई कोई ऐसा नहीं होता है. क्यों? बिकॉज आवर बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज, आवर बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज. एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन फंक्शन, यस. लेकिन ये जो स्पाइरोगायरा है ना, ये बड़ा ही सिंपल है मल्टी सेल्यूलर, बट फिर भी बहुत सिंपल बंदा है ना. तो उसके साथ ये मेथड चल जाएगा, बाकी मल्टी सेल्यूलर के साथ ये मेथड जरूरी नहीं कि काम करेगा. क्लियर है? यस. अब देखो रीजनरेशन, रीजनरेशन टिपिकली पता है सब लोगों को, या चलो ह्यूमंस में ले लो यार, ह्यूमंस में है, तुम्हारे हाथ को लग गई सपोज, है ना, काफी लग गई, तो थोड़े दिन बाद स्किन वहां पे वापस आ जाती है ऑटोमेटिकली. क्या होता है? सेल्स रीजनरेट करते हैं, सेल डिवीजन होता है, नए सेल फॉर्म होते हैं, दे रीजनरेट, है ना, वहां से नया ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होता. लेकिन लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लैनेरिया, इसमें क्या होता है कि अगर ये बॉडी को मैं इस तरह से काट दूं, एक्सीडेंटली होता है, ये नेचुरल नहीं है, दिस डज नॉट हैपन ऑन मैच्यूरेशन. ओके, एक्सीडेंटली अगर इसको कोई काट देता है तो तीन हो गए डिविजन, तीनों भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. फॉर एग्जाम्पल यस, लिजर्ड ले लो, लिजर्ड का तो सबको पता होगा, यस. लिजर्ड का टेल कट गया अगर, ओके, तो क्या होता है? ध्यान दो अच्छे से, समझो, ध्यान दो अच्छे से. लिजर्ड का टेल कट गया तो अब ये हो गया ऊपर का लिजर्ड और ये हो गया नीचे का उसका टेल, ये बचा हुआ पीस. क्या इससे नया लिजर्ड पैदा होगा? नहीं, इससे नया लिजर्ड पैदा नहीं होगा, बट स्टिल इसकी टेल पूरी की पूरी रीजनरेट हो जाएगी, इसकी टेल पूरी रीजनरेट हो जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो रीजनरेशन ऑफ टेल. हमारे बॉडी में इट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन ऑफ सेल्स, न्यू सेल्स पैदा हो जाते हैं, है ना, और तुम्हारा जो भी वुंड है वो फिलअप हो जाता है प्रॉपरली, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेशन. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में जब रीजनरेशन होता है तो नया इंडिविजुअल और नया ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली आता है, राइट. बट दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन. However, regeneration is not same as reproduction. Yes, यहां देखो क्यों? Guys, reproduction क्या है? Giving birth to a new one. क्या इसने अपनी इच्छा से नए individual को birth दिया? नहीं भाई, accidentally किसी ने इसको काट दिया. Yes, चलते चलते किसी ने कुछ तो लात मार दी उसको, जा रहा था, यश ने लात मार दिया, गया कट गया बेचारा दो तीन पीसेस में, है ना. क्या वो रीजनरेट, क्या वो रिप्रोड्यूस करना चाहता था? नहीं, उसने क्या किया, सिर्फ अपने आप को रीजनरेट किया और वो प्रोसेस में ऐसा हुआ कि तीन ऑर्गेनिज्म बन गए, राइट. तो क्या ये ऑर्गेनिज्म यश पे डिपेंड कर रहा है रिप्रोड्यूस करने के लिए कि यश भाई तू आ जा मुझे लात मार फिर ही मैं रिप्रोड्यूस करूंगा? नहीं. यस, ये जब मैच्योर होगा, ये जब रिप्रोड्यूस करना चाहेगा तो इट कैन रिप्रोड्यूस इन इट्स ओन वे. यस, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आके मुझे काटो, है ना. बट फिर भी अगर कट गया गलती से तो रिप्रोड्यूस रीजनरेट करता है अपने आप को, और रीजनरेट इस तरह से करता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एज इंडिविजुअल्स. लेकिन लिजर्ड में ऐसा नहीं होता, लिजर्ड में रीजनरेशन होता है टेल का, लेकिन
जो टूटा हुआ टेल का पीस है वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता हमारे अंदर। ओके रीजनरेशन होता है सेल का, लेकिन लेकिन नया वापस नहीं आता है, नया सेल्स आता है वहां से नया ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होगा। डिफरेंस समझ रहा है दोनों में? सो बेसिकली वन सेकेंड ना, यस सर, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में डिफरेंस ये है कि फ्रेगमेंटेशन में एक्सीडेंटली हो जाए या फिर मैच्योर जब वो हो जाते हैं तो वो खुद से अपने आप को रीजनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन इनटू इंडिविजुअल्स अकेले अकेले। लेकिन रीजनरेशन में बाय चांस हो रहा है, एक्सीडेंटली हो रहा है। बाकी दोनों प्रोसेस है सेम, दोनों प्रोसेस सेम है। एक नेचुरली कर रहा है, उसका वो रिप्रोडक्शन का मेथड है। फ्रैगमेंटेशन में स्पायरोगायरा का रिप्रोडक्शन का मेथड है वो, कि भाई मैं मैच्योर हो गया, मैं चाहता हूं रिप्रोड्यूस करना, मैं खुद को दो पार्ट्स में कट कर दूंगा, रिप्रोड्यूस। यस रीजनरेशन में दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो तो हो रहा है भाई रिप्रोड्यूस, बट दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। है दोनों सेम? बोलो, डाउट आई बात समझ? वन बाय वन आर्यन। है सर। तो फिर प्लेनेरिया कौन से टाइप से रिप्रोड्यूस करता है फिर, अगर रीजनरेशन नहीं है रीजनरेशन तो? रीजनरेशन सर बट वो तो रिप्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है ना, मतलब वो अच्छा टाइम। अच्छा मतलब उसका नेचुरल मेथड ऑफ नेचुरल। रिप्रोडक्शन इज हाँ सर। फ्रेगमेंटेशन। अच्छा यस ओके उसका सर। नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। लेकिन स्पायरोगायरा, यस ये दो अलग चीजें हैं। सिर्फ मतलब यार दोनों सेम चीजें हैं, किस मेथड से हो गया तो क्या बोलेंगे। अगर एक्सीडेंटली हो गया तो हम उसको रीजनरेशन बोलेंगे, और यस अगर प्रॉपर उसने खुद से किया तो हम उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। दैट्स इट। सर। सो कैन वी से दैट रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रीजनरेशन है ना, है ना रीजनरेशन। तुमको लिखते वक्त ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, हो तो रहा है ना रिप्रोडक्शन, चाहो या ना चाहो हो तो रहा है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ब्रिंगिंग अप ऑफ न्यू, गिविंग बर्थ टू अ न्यू वन, तो दे रहा है ना वो बर्थ टू न्यू वन, ठीक है ना, राइट। बट इट इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंट, राइट। एयर से कट गया, किसी और से कट गया, कुछ तो हो गया एक्सीडेंटली। यस सर। ठीक है सर। तो यस यस सर बोलो। फ्रेगमेंटेशन में भी तो स्पायरोगायरा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और बाइनरी फिशन में भी तो अमीबा दो पार्ट्स में एक ही सेल हाँ से डिवाइड होता है। सो व्हाट्स द एब्सोल्युटली, डिफरेंस सर? कोई डिफरेंस सिर्फ ये है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि अमीबा में एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो सकता। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्पायरोगायरा इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा इज सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके तो देखो, याद करो यार लास्ट ईयर हमने वो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा था वो, गंदा सा बड़ा सा बहुत सारा बहुत बड़ा डाइवर्सिटी, चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स। उसमें फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या किया था हमने, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर, राइट। तो यस सर। वहीं पे अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो दोनों के रिप्रोडक्शन के मेथड को हमने अलग नाम देना है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के टाइप ही अलग अलग है भाई। एक यूनिसेल्युलर है, एक मल्टी सेल्यूलर है। अब देखो टू बी वेरी फ्रैंक, चारों के चारों मेथड सेम है। बाइनरी फ्यूजन भी सेम है, फ्रैगमेंटेशन भी सेम है, रीजनरेशन भी सेम है, और बडिंग भी सेम है। क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म था दो में स्प्लिट हो गया, बड़ा हो गया। एक ऑर्गेनिज्म था दो में स्प्लिट हो गया, दो अलग अलग बड़े हो गए। तो चारों के चारों सेम है। अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, है ना, सर इनके डिफरेंशिएट सर बिटवीन भी आ सकता है। सर बोलो बोलो। फ्रेगमेंटेशन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है क्या? नहीं, अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। ओके फ्रैगमेंटेशन, इसीलिए गाइस मैंने मार्क कर करके अंडरलाइन कर करके तुमको ये दिखाया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए है। बोलो, आई बात समझ सबको? तो यस यस। तो फॉर रीजनरेशन कैन बी राइट कि मतलब इट इज नॉट अ वे ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्शन एंड इट इज एक्सीडेंटली डन बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड एक्सेट्रा। एब्सोल्युटली ऐसे ही लिखना है, यहां लिखा भी है।
यस ये देखो, हाउ एवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना। वो डिपेंड थोड़ी कर रहा है कि आके कोई मुझे काटेगा तो मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, है ना। सर हाँ सर तो फ्रेगमेंटेशन वो खुद ही कट होता है क्या? हाँ फ्रेगमेंटेशन में उसके पास अपनी एबिलिटी है खुद को कट करने की। यस, खुद को दो पार्ट्स में वो डिवाइड कर लेता है। तो जब वो खुद को खुद से दो पार्ट में डिवाइड करेगा, हम उसको नाम देंगे फ्रेगमेंटेशन। और जब किसी और ने आके उसके साथ छेड़छाड़ की तो उसको हम नाम देंगे रीजनरेशन। अरे करते है सर मुल्ला नो, हाइड्रा यस सर ओ सर अल्लाह सोपे थे समझा पक्का। हाँ बोलो हाइड्रा क्या। सर हाइड्रा बडिंग में भी हो, मतलब हाइड्रा का एग्जांपल बडिंग में भी है और रीजनरेशन में भी है सर, तो रीजनरेशन में कैसे ओके होता है? दोनों दोनों ओके okay? अगर एग्जाम में हाइड्रा कौन सा टाइप आता है तो उसको तुम लोग बडिंग आंसर लिखना ओके। लेकिन यस जो हाइड्रा है उसको अगर तुम बीच में से आकर के कट कर दो ओके, तो दो नए हाइड्रा आ जाएंगे, ओके समझ रहे सर है? तो उसके भी दो मेथड है। लेकिन अगेन तुमने जा करके उसको कट किया तो क्या वो रिप्रोडक्शन हुआ? नहीं। इसलिए उसको अलग से, उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग, है ना। यस सर समझा ये डिफरेंस समझो। सर और बताओ कोई डाउट? नथिंग, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं फिर। सो फोर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी ओके। वन इज बाइनरी फिजन, वन इज फिजन, फिजन बोलेंगे हम उसको सिर्फ। फिजन में दो टाइप, बाइनरी मल्टीपल ओके, देन फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, यस, देन बडिंग, चार राइट। अब आएगा एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो ओके। सर पहले स्पोर फॉर्मेशन सिखा देता हूँ यार, स्पोर फॉर्मेशन सिखा देता हूँ, फिर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखेंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डिस्कशन थोड़ा चलेगा ओके। हाँ बोलो, सर प्रोलीफेरेट का मतलब क्या होता है सर? कहाँ पर है प्रोलीफरेट? वो रेजिनिंग फॉर्मेशन। हाँ सर प्रोलीफरेट मतलब टू प्रोपोगेट आई गेस। एक बार सेंटेंस पढ़ लो, कहाँ देखा है तुमने? मुझे नहीं पता। सर वो रीजनरेशन में लिखा है दीज सेल्स प्रोलिफेरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हाँ, मतलब रीजनरेट, रीजनरेट प्रोलिफरेट मतलब रैपिडली इंक्रीज। टू रैपिडली ग्रो, है ना, टू टू रेप्लीकेट, टू रेप्लीकेट यस ओके। यस यस चलो, तो प्लांट्स में दो, एक स्पोर फॉर्मेशन, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पहले हम लोग थोड़ा स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। अब स्पोर फॉर्मेशन, एक एग्जांपल दिया है देखो, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस ओके। इसमें होता क्या है, वन सेकेंड ओके, लुक एट दिस, लुक एट दिस प्लांट, ये प्लांट को देखो। इट हैज गॉट सम सैक लाइक स्ट्रक्चर ऊपर, है ना, ऐसे बटाटा वड़ा है ऊपर एक। इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम, इंपॉर्टेंट। स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम क्या है? बस एक सैक है, एक सैक है विच इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। किसके लिए? उसके अंदर है स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स है। यस, छोटे 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 स्पोर्स है। दीज स्पोर्स आर नथिंग बट सीड्स होते हैं ना, जैसे सीड्स होते हैं वैसे ये स्पोर्स होते हैं ओके। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम फट जाता है। यस, इट रप्चर्स, इट ब्रेक्स।
या इसके ऊपर कोई बर्ड बैठ गया, कोई इंसेक्ट बैठ गया तो भी ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो गया, जब इसके अंदर के स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर ऑल्सो सेल्स, स्पोर्स आर ऑल्सो सेल्स, ये मैच्योर हो गया कि ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होता है तो इसके अंदर के स्पोर्स जमीन पे गिरते हैं, राइट, सॉइल के अंदर, और अगर इसको प्रॉपर एनवायरमेंट मिल गया तो ये वापस न्यू प्लांट में ग्रो होता है। दैट्स इट, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स अच्छा मैच्योर होते हैं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, यस क्लियर है? तो अगेन यहाँ पे तो दो लोगों का कोई जरूरत ही नहीं था, इसलिए हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से पढ़ लो एक बार। यस, इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ऑन द ब्रेड अबव आर हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। कहाँ होता है ये? ब्रेड के ऊपर। ब्रेड को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे मोल्ड्स दिखाई देते हैं। मोल्ड पता है क्या होता है? ओके एनीवेज, ठीक है, 2 मिनट। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गाइस, ये जो ग्रो हो रहा है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो ये है, उसके अंदर कहीं तो छुप के बैठा है, ठीक है ना। टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व। ये जो मैंने बटाटा वड़ा बोला है, वो उसको बोल रहा है ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर। ये स्टिक नीचे और उसके ऊपर एक ब्लॉब, ठीक है। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, ओके, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इंटू न्यू राइजोबस इंडिविजुअल्स। द स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन टू कॉन्टेक्ट विद अनादर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। ये ब्रेड है, ओके, तुम्हारा ये ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर अगर लग जाता है तो इसका ग्रोथ होने लगता है धीरे 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 धीरे। दिस इज सेम लाइक द एक्टिविटी ऑफ ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, दीज आर ब्रेड मोल्ड्स, ओके, दीज आर ब्रेड मोल्ड्स। अगर ये गिर के ब्रेड के ऊपर गिरता है यहां से इधर और इसको प्रॉपर मॉइस्चर वगैरह मिलता है तो ये और ग्रो होने लगता है। ऑल माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे दिखेगा नहीं। और जब बहुत सारा हो जाता है तो ब्रेड के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस कभी दिखाई देता है, ब्लैक रेड व्हाइट ब्लैक ग्रे सब्सटेंस, दैट इज नथिंग बट दिस, तो वो भी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है। यस, देखो बोल रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही है ना यार, यस और नो? व्हाइट कलर के छोटे छोटे एकदम थ्रेड लाइक, लाइक कॉटन काइंड ऑफ ऐसे दिखता है। चलो बोलो डाउट। हाँ तो आपने बोला कि वंस द स्पोर्स मैच्योर इनसाइड द स्पोरेंजियम देन द स्पोरेंजियम रप्चर्स राइट राइट, एंड देन इट लाइक ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। बट आपने जैसे बोला कि बर्ड या इंसेक्ट आके बैठा और लेकिन द स्पोर्स आर नॉट मैच्योर एंड देन इट गेट्स रप्चर्ड तो तो क्या तभी होता है वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं होगा हमारे ना। हाथ से? नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं होगा हमारे हाथ से अगर ये रप्चर हो गया, ओके, हमारे हाथ से ये रप्चर हो गया, करेक्ट, तो स्पोर्स तो गिर जाएगा नीचे, बट द स्पोर्स आर नॉट मैच्योर ना, तो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ओके सर स्पोर्स मैच्योर होना चाहिए, नंबर वन सेल है वो, बेसिकली सेल शुड बी मैच्योर इनफ फॉर रिप्रोडक्शन, जैसे ह्यूमंस में भी होता है ना, 8 साल का बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, यू नीड सेक्सुअल मैच्योरिटी फॉर दैट, करेक्ट, तो मैच्योर होना जरूरी है, प्लस करेक्ट एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए, द राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सरफेस वगैरह जो भी उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो मिलना चाहिए। क्लियर है? तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस। यस मैडम बोलो। सर वो जो राइजोपस का डायग्राम दिखाओ ना एक मिनट आई वुड लाइक देखो टू ना। नो। हाँ सो इसके अंदर ये जो नीचे है ना व्हाट राइजॉइड्स दे आर नोन एज सो व्हाट आर देयर फंक्शन। अरे कुछ नहीं, दैट इज जस्ट द अटैचमेंट पार्ट, इसलिए मैंने उसको प्लांट से रिलेट करके बताया, या ओके, इसलिए मैंने उसको ये जो है ना, इसको बोलते हैं राइजॉइड्स, RHIZOIDS, राइजॉइड्स, ओके। इनका काम क्या है, रूट्स का क्या काम है, रूट्स का पेड़ टू को जमीन पे पकड़ के ओवर रखना, द होल्ड करके रखना, राइट, प्लस प्लांटेड न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना, तो इसका भी वही काम है,
क्योंकि यार ये तो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है ना, ये ब्रेड है तुम्हारा, दिस इज योर ब्रेड का सरफेस, तो ये उसको होल्ड करके रखेगा पहला, राइट? और ब्रेड का मॉइस्चर ऊपर कैसे जाएगा, इधर से ही जाएगा, समझ में आया? तो राइजॉइड्स ओके आर मोर और लेस लाइक रूट्स ऑफ द ट्री या प्लांट, व्हाट एवर. And sir, I didn't about understood about the hyphae also. No. What are they? ये हाइफे, हाइफे मतलब इसको हाइफे बोलते हैं, ये है ना, ये दिस इज कॉल्ड Okay. एज हाइफे. यस, हमको क्या दिखता है, हमको ये हाइफे दिखता है, हाइफे दिखता है, और बस हमको तो बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. ये जो पार्ट है, ये इरेक्ट पार्ट जो खड़ा है, यस, इसको बोलते हैं हाइफा, हाई एच एच वाई पी एच ए, हाइफा बोलते हैं इसको, ठीक है ओके ना? सर सो दिस इज हाइफा. तो ये जो बोल रहा है कि तुमको जो दिखता है, दैट इज हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड. हाइफे मतलब ये इस पार्ट को बोलते हैं हाइफा. और हाइफे क्या है, उसका प्लूरल फॉर्म है, हाइफा का प्लूरल हाइफे. सर बोलो. और सर ये जो राइजोपस होते हैं वो ब्रेड के सिवाय वेजिटेबल्स और कोई भी चीज़ में फॉर्म हो सकते हैं, सिर्फ उनको मतलब करेक्ट मॉइस्ट एनवायरमेंट फॉर देयर फॉर्मेशन. सी यू नो व्हाट इज हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस इसको, मराठी में बुरशी बोलते हैं हम लोग, फंगस, काइंड ऑफ यस फंगस, राइट? तो काइंड ऑफ फंगस है वो, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, राइट? तो सर फंगस या तो बडिंग से ग्रो होता है या तो फिर स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो होता है, ओके सर राइट? तो इट इज अ यस टाइप ऑफ फंगस, कहीं पे भी ग्रो हो सकता है. ब्रेड का उन्होंने एक एग्जांपल दिया, स्टेल फूड पे ग्रो होगा, स्टेल फूड पे है यस सर ठीक है ना, या चपाती पे भी ग्रो होता है. ओके और बताओ, डन, परफेक्ट. द लास्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. So I will start vegetative propagation in the next chapter. But before that, tell me one thing. जब asexual reproduction से सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो what is the need for sexual reproduction? सर Yes, बोलो. वन रीजन इज दैट वी डोंट नो द लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी सो बेस्ड ऑन दैट द ऑर्गेनिजम्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू ग्रो अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओके okay. और कुछ? ओके सर जस्ट यस सर So actually, हाँ in single celled organism, they have very simple structure and functions also. उनके जो organs होते हैं, उनके बहुत simple functions होते हैं. तो normal division से भी can work out, but multicellular organism में different organization होता है, different organs होते हैं, उन सबके different functions होते हैं. They all are तो important. अरे Sir, एक repeat. लाइन, अरे एक लाइन में आंसर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर वेरिएशन. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ह्यूमंस नहीं होते, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं होते, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इतने सारे वैरायटी के स्पीशीज नहीं होते. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं साथ में, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल करके एक नया इंडिविजुअल तैयार होता है. वेर एज अमीबा, देखो अमीबा और अमीबा का बच्चा, मतलब जो दोनों डॉटर सेल्स है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एग्जैक्टली सेम है. तो अगर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलते जाता तो वेरिएशन दुनिया में होता ही नहीं, राइट? एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म सारे भरे पड़े होते, ना ही हम होते, राइट? ह्यूमंस में भी कितना वेरिएशन है, नो टू इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड आर एग्जैक्टली सेम. वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? यहां से अगला चैप्टर चालू होगा, राइट? डीएनए कॉपिंग वगैरह वगैरह वो सब देखेंगे. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस,
ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ सेम टाइप, एक अमीबा दूसरे अमीबा से किसी भी तरह से डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम है वो दोनों, लेकिन एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बहुत कम तरीकों से सेम है। बस सेम क्या है, दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, स्ट्रक्चर सेम है, बाकी सब अलग है ना, बाकी सब कुछ अलग है। सो ये वेरिएशन के लिए जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, नहीं तो वेरिएशन होता ही नहीं। हमने लास्ट ईयर कुछ पढ़ा था, देर आर अराउंड 92 लाख स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स एंड 1 करोड़ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, ये वो ऐसा कुछ तो था, है ना, इतने सारे स्पीशीज कैसे आए भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये पॉसिबल नहीं है, सर तो वेरिएशन आपने जो पॉसिबल नहीं है रीजन दिया वो गलत है क्या? क्या। हाँ तुमने मतलब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की बात की, यार मल्टीसेल्युलर में भी एसेक्सुअल हो रहा है, मल्टीसेल्युलर में जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें भी एसेक्सुअल हो रहा है, थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी हो रहा है। इसका वन लाइन आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर वेरिएशन। वेरी फेमस क्वेश्चन, जब हम कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसमें भी देखेंगे। ओके पहले हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लेंगे, ओके, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सारा सब कुछ होने के बाद हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सारे कवर करेंगे, और लास्ट पार्ट में जो पढ़ाऊंगा वहीं से एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, और मैं नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूंगा इफ यू गाइस से दैट इज हेरिडिटी, एंड इफ यू से नो तो हम लोग मैथ्स चालू करेंगे व्हाट एवर वे यू गाइज आर कंफर्टेबल। ओके बायोलॉजी कंटिन्यू हम बायोलॉजी करेंगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, तो स्टोरी मैथ्स पूरा एग्जाम आ स्टोरी रहा है सर। कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ बायो का यस सर, मैथ्स कर देना सर अरे जो एग्जाम तुम सर। बोलो भाई, नहीं तुम लोग नहीं सर आपस में, बायो सर। अरे तुम लोग सर आपस में एक दूसरे को पीटो मारो, डिसाइड करो, मुझे बता देना। कोई आ नहीं रहा ना मैं तो पीट मार सकते। चलो सो वो देखो अभी तुम कैसे करोगे। चलो दैट्स इट गाइज, आई हैव अनदर क्लास एट 5:30, सी यू गाइज, प्लीज पढ़ो अपने अपने बुक से आज जो भी हमने पढ़ा, कल हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चालू करेंगे। ओके एंड वी विल एंड दिस चैप्टर टुमारो, सी यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर।